हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम लोग ओनली आईएएस के पॉलिटी वाले जो आपके नेक्स्ट लेक्चर सीरीज है उससे कंटिन्यू करेंगे। अब तक हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट तक कवर कर लिया है और अब जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है वो है आपका हाई कोर्ट। और वैसे तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ओवरऑल कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं, बट कुछ डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए सो दैट जो आपके डिससिमिलैरिटीज हैं जब प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसे आंसर कर सको, क्योंकि ऐसा लगता है कि जो रूल सुप्रीम कोर्ट के लिए है वही रूल हाई कोर्ट के लिए भी हो सकते हैं, बट हाँ कुछ एक्सेप्शंस भी है तो याद रखना है आपको, और वो कुछ एक्सेप्शंस के बारे में हम बात करेंगे। आपको पता होगा कि जो आपका संविधान है उसमें बोला गया था कि जो हर एक स्टेट होंगे हर एक स्टेट में आपका एक हाई कोर्ट होगा, बट फ्रीक्वेंट स्टेट्स बनती गई और बहुत सारे स्टेट्स का विघटन भी हुआ, तो बेसिकली ये नियम नहीं चल पा रही थी कि सारे स्टेट को हाई कोर्ट प्रोवाइड किया जाए। दैट्स व्हाई एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, आपको ही पता होगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 7CAA था, जिसके तहत ये अलाउ कर दिया गया कि अगर दो राज्य हैं या दो से ज़्यादा राज्य हैं तो उनके लिए आपका सेम या सिंगल हाई कोर्ट हो सकता है। और याद कीजिए यही 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में हमने बताया था कि जो आपके दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स के लिए सेम गवर्नर सिंगल गवर्नर भी हो सकता है। तो ये दो तीन पॉइंट हमने ये यहाँ पे क्लियर कर दिए। अभी क्या होता है प्रेजेंट स्टेटस आपको पता होने चाहिए, आप अगर हमें कमेंट सेक्शन में बताते हो तो बढ़िया बात है कि अभी ऑन ऑल टोटल कितने हाई कोर्ट हैं स्टेट्स के और यूटीज के कितने टोटल हाई कोर्ट है और कौन कौन से यूटी का कौन से स्टेट हाई कोर्ट के साथ जरिडिक्शन है। फॉर एग्जांपल जो लक्षद्वीप के केसेस हियर किए जाएंगे वो आपका केरला हाई कोर्ट में हियर किया जाता है, उसी प्रकार से आपका जो अंडमान निकोबार आइलैंड का जो आपका केसेस है उनको कलकत्ता हाई कोर्ट में डील किया जाता है, उसी प्रकार से सर्टेन अदर यूटीज हैं जिनके केसेस डिफरेंट स्टेट्स में डील होते हैं, तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। सो वी हैव कवर्ड द बेसिक, नाउ वी कम टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कि संविधान में हाई कोर्ट के बारे में क्या कहा गया है। तो बेसिकली आर्टिकल 216 डील्स विद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हाई कोर्ट, आपको पता है आर्टिकल 32 इसमें आपका सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा जाता है एंड आपका आर्टिकल 216 यहाँ पे एक बार आप चेक करना आर्टिकल 216 होता है या आई थिंक आर्टिकल 226 होता है। हाँ बेसिकली ये आपका आर्टिकल 214 से आर्टिकल 231 तक चलता है आपका हाई कोर्ट के बारे में बताई जाती है। बेसिकली ये जो आपका आर्टिकल 226 है वो आपका रिट जरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम ऑफ हाई कोर्ट की बात करता है, बाकी अगर देखा जाए तो ओवरऑल आपका ये टोटल आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक में आपके हाई कोर्ट के बारे में बताया गया है, तो इसे डिटेल से डिस्कस करेंगे। आपको याद रखना है कि हाई कोर्ट आपका पार्ट 6 में आता है ना, संविधान आपका वेरियस पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, और जहां तक यूपीएससी का ट्रेंड नजर आ रहा है ऐसा लग रहा है कि अब यूपीएससी पार्ट्स भी पूछ रही है। फॉर एग्जाम्पल इस बार आई थिंक पार्ट 4 पूछा गया था विच डील्स विद द डीपीएसपी, आप हमें बताइए पार्ट 4A कौन से सब्जेक्ट मैटर को डील करता है। उसी प्रकार से पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 1 ये थोड़ा सा आपका याद होना चाहिए सो दैट अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं तो आप उसे आसानी से आंसर कर सको। तो लेट्स मूव टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, आर्टिकल 214 से आर्टिकल 231 ऑफ पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद हाई कोर्ट, और जो आपका हाई कोर्ट का इंस्टीट्यूशन है यानी कि हाई कोर्ट एज एन इंस्टीट्यूशन इसकी अगर ओरिजिन की बात करें तो 1862 में ही आ गई थी जब तीन मेट्रोपॉलिटन सिटी जो अभी प्रेजेंट डे है जैसे कलकत्ता बॉम्बे मद्रास एक साथ आपका एक ही ईयर में सेटअप किया गया था हाई कोर्ट इन तीनों सिटी में, कलकत्ता बॉम्बे मद्रास 1862 में। तो अगर पूछा जाएगा कि हाई कोर्ट का कंसेप्ट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया के बाद आया तो नहीं, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था 1862 से ही। एंड हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट आपका हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट स्टेट का होता है, यानी कि वी हैव द स्टेट लेट्स से यूपी बिहार झारखंड तो ये सब आपके स्टेट हो गए है ना। अब इस स्टेट में जो हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट है वो है आपका हाई कोर्ट, और ये हाई कोर्ट के ऊपर फिर कौन हो जाते हैं ओवरऑल नेशनल लेवल पर तो वी हैव द अपेक्स कोर्ट दैट इज सुप्रीम कोर्ट, लेकिन अगर स्टेट लेवल पर देखा जाए तो वी हैव द हाई कोर्ट।
बेसिकली सुप्रीम कोर्ट तो आपका अपेक्स कोर्ट हो गया, ये नेशन लेवल पर आपका सारे सेंट्रल स्टेट इश्यूज को डील करता है, केसेस को डील करता है, जबकि हाई कोर्ट आपका स्टेट में हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट हो गया, उसके नीचे आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एज वेल एज सब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये सब आ जाती है। और स्टेट जुडिशियरी की बात करें तो ये आपका अम्ब्रेला टर्म है, इसमें हाई कोर्ट प्लस सबॉर्डिनेट कोर्ट दोनों आ जाते हैं। और जैसा कि मैंने डिस्कस भी किया था कि ओरिजिनली संविधान में वन हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट की बात कही गई थी, यानी कि हर एक स्टेट, यानी कि अगर आज 28 स्टेट है तो एज पर द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन 28 हाई कोर्ट होनी चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको ही पता है कि हर एक स्टेट में हर एक हाई कोर्ट नहीं है, ईच हाई कोर्ट नहीं है, तो ऐसा क्यों? बिकॉज ये प्रोविजन को अमेंड कर दिया गया था, क्योंकि उस समय जब ये प्रोविजन डाला गया था तो लगा था कि हाँ हाई कोर्ट सेटअप कर दिए जाएंगे आसानी से, बट काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आने लगी, फंड की क्राइसिस कह सकते हो, फिर यू कह सकते हो कि आपका जो मैन पावर है उसकी कमी, दैट्स वाई ये सब को थोड़ा सा टाइम लगेगा सारे स्टेट में हाई कोर्ट आने के लिए, दैट्स वाई उस समय अमेंड कर दिया गया था संविधान को, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 ला के, है ना, जिसमें ये बोल दिया गया कि देयर कैन बी कॉमन हाई कोर्ट फॉर टू और मोर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, यानी कि अगर दो तीन स्टेट में मिला दो तो उसके लिए सिंगल हाई कोर्ट हो सकता है, या फिर यूटी प्लस स्टेट मिला दो तो भी उसके लिए सिंगल हाई कोर्ट हो सकता है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। एंड पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड द ज्यूरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट टू इंक्लूड और एक्सक्लूड द यूनियन टेरिटरी, तो आपको याद रखना है कि पार्लियामेंट हाई कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन को इंक्लूड या फिर एक्सक्लूड करने का भी पावर रखता है फ्रॉम द यूनियन टेरिटरी, क्योंकि यूनियन टेरिटरी इनडायरेक्टली देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही हाथ में होती है। एंड दिल्ली एंड जम्मू एंड कश्मीर ये ही अभी दो यूटीज हैं, जैसा कि मैंने आपसे पूछा भी था, जम्मू एंड कश्मीर तो अभी रिसेंटली मेड यूटी है, बट इससे पहले वो स्टेट था, तो देयर वॉज स्टेट हाईकोर्ट इन जम्मू एंड कश्मीर, बट अब क्या हो गया, चूंकि यूटी बन गया तो हाईकोर्ट तो रह ही गए हैं, तो देयर इज ओनली टू यूटी जिसके पास खुद का अपना हाई कोर्ट है, कौन कौन से, दिल्ली एंड जम्मू एंड कश्मीर हैविंग द हाई कोर्ट ऑफ इट्स ऑन, और ये 1966 से चल रहा है। एंड कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई द स्ट्रेंथ ऑफ हाई कोर्ट, क्या मतलब हुआ स्ट्रेंथ ऑफ हाई कोर्ट, यानी कि 30 मेंबर होंगे, 20 मेंबर होंगे, 10 मेंबर होंगे, ये संविधान स्पेसिफाई नहीं करता है। इसका लॉजिक भी है, आप लॉजिक लगा सकते हो कि आखिर संविधान ये सब स्ट्रेंथ क्यों स्पेसिफाई करेंगे, वो तो एज पर द नीड बढ़ाए जाएंगे, देखा जाएगा कि अगर केस लोड बढ़ रहा है तो जजेस को या जजेस की संख्या को बढ़ा दिया जाए, सिमिलर आपका कंसेप्ट सुप्रीम कोर्ट में ही है। अभी हाल फिलहाल में 2019 में आपको ही पता है 31 जजेस पहले हुआ करते थे, 3 जजेस बढ़ाकर 34 जजेस कर दिए गए हैं ना, तो उसके लिए संवैधानिक अमेंडमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, बट हाँ ये काम आपका जो है वैसे जो आपका सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या बढ़ाने की बात है तो वहां पर आपका पार्लियामेंट करता है, जबकि आपका स्ट्रेंथ क्या होगा हाई कोर्ट में जजेज का, ये आपका प्रेसिडेंट के हाथों में छोड़ा जाता है ना, यानी कि प्रेसिडेंट के डिस्क्रिशन, याद रखना है यहाँ पर प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशन खुद का डिस्क्रिशन नहीं होता है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या फिर कैबिनेट का होता है, एड एंड एडवाइस पे वर्क करता है प्रेसिडेंट, आपको भी पता है। एंड चीफ जस्टिस अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस गवर्नर ऑफ ए स्टेट कंसर्न, यानी कि लेट्स से कि आपका झारखंड के लिए जो आपका चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट उसे अपॉइंट करना है, तो उसके लिए क्या होगा आपका कि जो आपका प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, बट प्रेसिडेंट जब अपॉइंट करेगा तो देयर शुड बी कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस गवर्नर ऑफ द झारखंड, है ना, तो झारखंड के जो गवर्नर है उससे भी कंसल्ट किया जाएगा। एंड अगर लेट्स से कि मोर देन वन स्टेट के लिए आपका चीफ जस्टिस नियुक्त हो रहा है, बिकॉज देयर कैन बी सिंगल हाई कोर्ट फॉर मोर देन वन स्टेट, तो जाहिर सी बात है जो भी स्टेट कंसर्न होंगे उन सारे गवर्नर को भी कंसल्ट किया जाएगा, ये बात तो लॉजिकली है। एंड फॉर अदर्स जजेस अपॉइंटमेंट, तो अगर बात करें चीफ जस्टिस के अलावा जो अन्य जज अपॉइंट किए जाएंगे तो यहाँ पर आपका कंसर्न हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उसे भी कंसल्ट किया जाएगा। और याद रखना है ये जो आपके अदर जजेज के भी अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं, तो आपको याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट का जज हो गया या फिर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या फिर अदर जजेज ऑफ हाई कोर्ट, सारे का सारा अपॉइंटमेंट आपका प्रेसिडेंट करता है, अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है ना, बाकी कंसल्टेशन तो आपका लिया ही जाता है। अगर फॉर एग्जांपल जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात है तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कंसल्टेशन हुआ, कलिंगम सिस्टम का नाम आपने सुना होगा, मैंने आपको पढ़ाया भी है ना, तो ये सब बातें हो जाती है। और स्टेट हाई कोर्ट के जजेस की बात करें तो उसके लिए तो आपका गवर्नर प्लस जो आपका चीफ जस्टिस
ऑफ इंडिया है वो भी हो जाते हैं। और सो वी हैव डिस्कस दिस। और हाँ, अब यही बात आपका जो कंसल्टेशन वाली बात थी जो हमने सुप्रीम कोर्ट में कवर करी थी, यहाँ पर भी कंसल्टेशन पर बहुत सारे इश्यू आए थे, दैट्स व्हाई केसेस पे केसेस आने लगे थे सुप्रीम कोर्ट में, और अल्टीमेटली उसे सुलझाया गया और अब जो है यहाँ पर भी कलीजियम सिस्टम काम करता है ना। तो इसको हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं बिकॉज हमने सुप्रीम कोर्ट के लेक्चर में से डिस्कस किया था। फर्स्ट जज केस की बात करें तो 1982 में आया था, है ना। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया था कि जो कंसल्टेशन शब्द संविधान में लिखा हुआ है इसका मतलब कंकरेंस नहीं होता है, यानी कि अगर प्रेसिडेंट कंसल्ट करेगा आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से तो इसका मतलब ये नहीं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो बोलेगा वही प्रेसिडेंट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसका सिंपल सा मतलब था कि हाँ प्रेसिडेंट चलो कंसल्ट कर रहा है तो इसका मतलब एक्सचेंज ऑफ व्यू पर्पस के लिए कि हाँ डिस्कशन कर लिए, बट जो आपके सजेशंस थे वो बाइंडिंग नहीं थे, कंकरेंस नहीं थे। उसके बाद आता है आपका सेकंड जज केस 1993। सेकंड जज केस 1993 में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने अर्लियर रूलिंग को रिवर्स कर दिया और जो इंटरप्रिटेशन कंसल्टेशन का उसको चेंज कर कंकरेंस कर दिया कि हाँ जो हम कंसल्टेशन की बात संविधान में है उसका मतलब ये है कि बाइंडिंग कंकरेंस, यानी कि हम जो सजेस्ट करेंगे वही लागू होगा भले ही प्रेसिडेंट अपॉइंट करे। थर्ड जज केस 1998 आता है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कंसल्टेशन प्रोसेस को इलोबरेट कर दिया। उन्होंने बोला ठीक है कंसल्टेशन तो हो गई हमारे द्वारा कंसल्ट तो किया ही जाना है, बट जब CJI अपना राय रखेगा उसके लिए वो खुद कंसल्ट करेंगे प्लोरिटी ऑफ जजेस से, यानी कि CJI अकेला सजेशन नहीं देगा फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट, उसके लिए देयर विल बी प्लोरिटी ऑफ जजेज और इस प्लोरिटी ऑफ जजेज में खुद CJI भी शामिल होगा और अल्टीमेटली वो मिलकर सजेस्ट देंगे। इसी को तो कलीजियम सिस्टम कहा जाता है, आपको ही पता होगा। एंड इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेज कलीजियम ऑफ टू सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट मस्ट बी कंसल्टेड। याद रखना हाई कोर्ट के लिए तो आपका जो कलीजियम ऑफ टू सीनियर मोस्ट जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए मैंने आपको बताया था 4 जजेस का कलीजियम होता है, आपको ही पता होगा 4 जजेस का कलीजियम होता है जिसमें आपका CJI भी होते हैं। तो ये बातें हो गई, है ना। तो फोर्थ जजेस केस आपका आता है 2015 में। इसमें बेसिकली पार्लियामेंट ने NJSC लेकर आया था। NJSC का ऑब्जेक्टिव यही था कि ये जो आपका कलीजियल सिस्टम है इसको हटा दिया जाए और अल्टीमेटली देयर शुड बी अ डेडिकेटेड बॉडी दैट इज नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिटी जो इन जजेस की नियुक्ति करेगा। लेकिन अल्टीमेटली जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास 2015 में गया तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया, कहा गया कि भाई साहब ये तो आपका इंटरफेरेंस हो रहा है एग्जीक्यूटिव का जुडिशियरी में, तो ऐसा नहीं होगा, इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशियरी को ये खत्म करता है, दैट्स व्हाई इसे लागू नहीं किया जाएगा। तो इस बॉडी को ही ध्वस्त कर दिया गया। और आपको याद रखना है प्रीलिम्स के लिए 99 CAA डील्स विद NJSC, हालांकि NJSC एग्जिस्टेंस में नहीं आया। तो लेट्स मूव टू द अदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस। तो जजेस के क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो क्या क्या क्वालिफिकेशन संविधान में दिए गए हैं, तो पहली बात तो ये कि क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल आपका बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना ही है। एंड ही शुड हैव हेल्ड ऑफिस ऑफ जुडिशरी इन द इंडियन टेरिटरी फॉर 10 ईयर्स, यानी कि कम से कम आपका 10 साल के लिए जुडिशियल ऑफिस जो है उसने हेल्ड किया होगा इन द इंडियन टेरिटरी, या फिर वो एडवोकेट रहे होंगे हाई कोर्ट के फॉर 10 ईयर्स और मोर, है ना। तो 10 साल या 10 साल से ज्यादा समय अगर हो गया है एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट का तो वो फिर एलिजिबल है, या फिर वो जुडिशियल ऑफिस सर्व कर रहे हैं किसी इंडियन टेरिटरी में, इंडियन टेरिटरी यानी कि भारत का कोई भी जगह जहां पर वो जुडिशियल ऑफिस के रूप में सर्व कर रहे हैं फॉर मिनिमम 10 ईयर्स, तो ये आपका एलिजिबल हो जाएंगे हाई कोर्ट के जज के नियुक्ति के रूप में। और याद रखना है आपको नो मिनिमम एज इज प्रिस्क्राइब की भाई साहब, जैसे हमने पढ़ा लोकसभा में जो मेंबर उनको चुनने तो 25 साल की एज चाहिए, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि 25 साल 30 साल की एज चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, मिनिमम एज प्रिस्क्राइब नहीं की गई। और कॉन्स्टिट्यूशन ये याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट के जो क्वालिफिकेशन ऑफ जजेज की बात जब मैंने की थी तो उसमें एक अलग से प्रोविजन था कि प्रेसिडेंट के आंखों में अगर डिस्टिंग्विश जूरिस्ट नजर आता है तो वो अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं किया गया है कि डिस्टिंग्विश जूरिस्ट का प्रोविजन डालकर प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं किसी को, यहाँ पर याद रखना है आपको, है सुप्रीम कोर्ट में वी हैव दिस प्रोविजन डिस्टिंग्विश जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट, बट इन केस ऑफ हाई कोर्ट नथिंग इज लाइक सच। एंड अगर हम बात करें ओथ और अफर्मेशन की,
तो ये याद रखना, कोई व्यक्ति जो हाई कोर्ट के जज के रूप में अपॉइंट हुआ है और जब वो ऑफिस इंटर करते हैं तो ऑफिस इंटर करने से पहले उनको ओथ लेना पड़ता है, किसके सामने? गवर्नर के सामने, ये याद रखना है, प्रेसिडेंट के सामने नहीं, या फिर सम पर्सन अपॉइंटेड बाय द गवर्नर फॉर दिस पर्पस, है ना। सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं, उनके ओथ और अफॉर्मेशन की बात हो तो वहां पर प्रेसिडेंट या फिर सम पर्सन अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। स्टेट हाई कोर्ट के जजेस की बात हो तो यहाँ पर आपका गवर्नर ऑफ द स्टेट या फिर सम पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम फॉर दिस पर्पस। एंड सैलरीज एंड अलाउंसेस की बात करें तो यहाँ पर जो सैलरीज है, अलाउंसेस है, प्रिविलेजेस है, लीव एंड पेंशन ऑफ जजेज ऑफ हाई कोर्ट, ये डिटरमाइन की जाती है किनके द्वारा, याद रखना है, नॉट बाय द स्टेट लेजिस्लेचर बट बाय द पार्लियामेंट, ये जरूर याद रखना, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है ना। तो सैलरीज, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस, लीव, पेंशन ऑफ जजेज ऑफ हाई कोर्ट आर डिटरमाइंड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द पार्लियामेंट एंड दे कैन नॉट बी वेरी टू देयर डिसएडवांटेज, जाहिर सी बात है, आफ्टर द अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट जब फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, क्योंकि इसमें साफ साफ बोला गया है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी में वैसा मनी के मैटर को लेकर कुछ भी किया जा सकता है, इवन सैलरी ऑफ जजेस को भी कम बेसिक कम नहीं किया जाएगा, जाहिर सी बात है। नोट करके एक बात है कि जो सैलरी, हाँ इसे आपको अच्छे से याद रखना है, जब हम बात करते हैं सैलरीज ऑफ जजेज ऑफ हाई कोर्ट की तो ये आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से चार्ज होता है, लेकिन जब पेंशन ऑफ जजेज ऑफ हाई कोर्ट की बात करेंगे तो ये याद रखना है, कान खोलकर मुंह खोलकर, कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज होता है, इसे अच्छे से याद रखना है ना। सैलरी ऑफ जजेज ऑफ हाई कोर्ट आर चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट बट पेंशन ऑफ जजेज ऑफ हाई कोर्ट आर चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कान खोलकर इसे सुन ले, क्योंकि यहाँ पर गलती करवाया जा सकता है। टेन्यूर की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई भी फिक्स टेन्यूर नहीं रखा है जजेज के लिए। टेन्यूर का मतलब जैसे प्रेसिडेंट का टेन्यूर फिक्स किया गया है 5 साल, है ना, और वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का हमने देखा, यूपीएससी का देखा या फिर जो आपके सीएजी सबका देखा, उन सबका फिक्स टेन्यूर की बात होती है। यहाँ पर आपका हाई कोर्ट के जजेस के लिए कोई भी फिक्स टेन्यूर नहीं है, बस इतना याद रखा, इतना संविधान में प्रोवाइड किया गया है कि जो आपके 62 इयर्स एट मैक्स जो है आपके हाई कोर्ट के जजेस के रूप में हो सकते हैं, वही सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो 65 इयर्स का एज है जब तक वो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के रूप में रह सकते हैं। बाकी अगर रिजाइन करने की बात है तो याद रखना है प्रेसिडेंट को रिजाइन सौंपी जाएंगी, गवर्नर को नहीं, ये याद रखना है ना, क्योंकि आपको लग सकता है कि गवर्नर जो है वो आपका ओथ एंड अफर्मेशन सब्सक्राइब करता है, बट यहाँ पर आपका रिजाइन जब देना होगा तो प्रेसिडेंट के प्रेसिडेंट को दिया जाएगा, गवर्नर को नहीं, ये याद रखना है, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है। एंड अगर ऑफिस से रिमूव करवाना है हाई कोर्ट के जजेज को तो वो प्रेसिडेंट ही करेगा, बट पार्लियामेंट की तरफ से रिकमेंडेशन आएगी तब। एंड ही वैकेट्स हिज ऑफिस व्हेन ही इज अपॉइंटेड एज सुप्रीम कोर्ट जज या फिर व्हेन ही इज ट्रांसफर टू अनदर हाई कोर्ट, जाहिर सी बात है ना। तो ये जो है अपनी ऑफिस ऑफ हाई कोर्ट वैकेट कर देंगे जब उनको सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त कर दिया जाएगा या फिर उसे दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, तो जाहिर सी बात है प्रेजेंट लोकेशन पर इनको वैकेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि 50 जगह एक ही जज तो काम नहीं कर सकते, कि एक तरफ आपका दिल्ली हाई कोर्ट में भी काम चल रहा है, यूपी हाई कोर्ट में भी, एज वेल एज बिहार हाई कोर्ट में भी, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो ये बात याद रखनी है, ये आपका बेसिक प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट डील्स विद द टेन्यूर ऑफ द हाई कोर्ट जजेज। अब बात करते हैं रिमूवल ऑफ जजेज, तो जो रिमूवल ऑफ जजेज है वो सिमिलर पैटर्न फॉलो करता है, सेम मैनर प्लस सेम ग्राउंड एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को हटाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिमूव किए जाएंगे प्रेसिडेंट के द्वारा बट पार्लियामेंट रिकमेंडेशन देगा, पार्लियामेंट रिकमेंडेशन देगा, लेकिन ये रिकमेंडेशन लंबे प्रोसेस से आती है, आपको ही पता है। एंड ये जो एड्रेस की जाएंगी, याद रखना, यानी कि ये जो पार्लियामेंट रिकमेंडेशन देगा, बेसिकली ये आपका रिजोल्यूशन लाया जाता है रिमूवल का, और वो रिजोल्यूशन को स्पेशल मेजोरिटी से पास करवाया जाता है दोनों हाउस से। और जो ग्राउंड ऑफ रिमूवल की बात कही गई है, दो ही ग्राउंड दी गई है, एक तो आपका प्रूव्ड मिसबिहेवियर और दूसरा इनकैपेसिटी। एंड जो प्रोसीजर है रिलेटिंग टू द रिमूवल ऑफ जजेज ऑफ हाई कोर्ट, वो गवर्न करी जाती है जजेज इंक्वायरी एक्ट 1968, जो हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के केसेस में भी डील किया था। और फिर से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बेसिक की, कि जजेज इंक्वायरी एक्ट 1968 है क्या, और आपको पता है ये प्रोविंस में क्वेश्चन आ चुकी है। तो जजेज इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत बेसिकली रिमूवल प्रोसेस की बात करी जाती है, कैसे जो है आपका पार्लियामेंट रिकमेंड करेगा प्रेसिडेंट को, सो दैट प्रेसिडेंट जो है वो हटाए सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के जजेस को। यहाँ पर हाई कोर्ट के जजेस के रिमूवल की बात चल रही है, तो सबसे पहले क्या होगा कि पार्लियामेंट में, या पार्लियामेंट कहने का मतलब चाहे वो राज्यसभा हो या फिर लोकसभा हो,
रिमूवल मोशन लाया जाएगा, और अगर लोकसभा में लाया जा रहा है यानी कि पहली बार लोकसभा में अगर इनिशिएट हो रहा है तो ये रिमूवल मोशन को एक्सेप्ट करने के लिए इन द हाउस 100 मेंबर का सिग्नेचर चाहिए, या फिर राज्यसभा में लाया गया है तो इस रिमूवल मोशन को हाउस में इंटर करने के लिए 50 मेंबर्स का समर्थन चाहिए, और एक बार जब आपका समर्थन जुट गया तो फिर ये स्पीकर या चेयरमैन को दिया जाता है। अगर लोकसभा में लाया गया है तो स्पीकर को दे दिया जाएगा, राज्यसभा में लाया गया है तो फिर आपका चेयरमैन को दे दिया जाएगा। और ये याद रखना है, ये स्पीकर या चेयरमैन का खुद का डिस्क्रिप्शन होता है कि वो रिमूवल मोशन को एक्सेप्ट करे या ना करे, याद रखना है। और लेट से कि अगर एडमिट कर लिया गया है तो फिर ये जो आपके कंसर्न प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे वो 3 मेंबर की कमिटी बनाएंगे जो इंक्वायर करेंगी इनटू द चार्जेस कि आखिर जो चार्जेस आरोप लगाए गए हैं वो कितना सत्य है कितना झूठ है, उसके हिसाब से अपने ये रिकमेंडेशन देंगे, है ना। तो ये जो 3 मेंबर ये कमिटी बनाई जाएंगी, इसमें आपका चीफ जस्टिस या फिर जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हो सकते हैं ना, यानी कि चीफ जस्टिस या फिर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, या तो चीफ जस्टिस हो सकते हैं या फिर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और जो दूसरे होंगे वो होंगे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, और जो तीसरे होंगे डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। तो ये 3 मेंबर ये कमेटी होंगी, और अगर इस कमेटी ने गिल्टी फाइंड आउट कर ली है तो फिर जाके आपका हाउस इस मोशन को कंसिडर करेगा, और कंसिडर करने का मतलब ये होगा कि मोशन पर डिस्कशंस होंगी और फिर मोशन को पास कराने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन याद रखना है, जब इन मोशन को पास किया जाएगा तो स्पेशल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होगी। स्पेशल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट मतलब आपको ही पता है कि कितना ज़्यादा आपका कम्प्लेक्स होता है स्पेशल मेजोरिटी से पास करवाना किसी बिल को, या रिमूवल मोशन हो या फिर मोशन हो, है ना। उसके बाद जब पास हो जाती है तो एड्रेस कर दिया जाता है प्रेसिडेंट को कि यहाँ मोशन पास हो चुकी है, अब आप जजेज के रिमूव कर दें, और फिर आपका ऑर्डर पास किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, और अभी आपको याद रखना है, और जब ऑर्डर पास हो जाएंगे तो फिर जो जज है वो रिमूव हो जाते हैं। एंड ये याद रखना है कि नो जज हैव बीन इम्पीच सो फार, एंड वी हैव द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट आर्टिकल 223, है ना, एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट आर्टिकल 223। हमने एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात करी थी, अब हम लोग एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं। इसमें क्या है कि जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करेंगे जज ऑफ हाई कोर्ट को एज एन एक्टिव चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट व्हेन ऑफिस ऑफ हाई कोर्ट चीफ जस्टिस या तो वैकेंट हो जाए या फिर टेम्पररी एब्सेंट हो जाए या फिर अनेबल टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस। सिंपल सी बात है, अगर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट लेट से कुछ कारण बस उनका जो ऑफिस है वो खाली हो गया है या फिर टेम्पररी रूप से एब्सेंट है या फिर वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करेंगे तो उनके जगह पर तो कोई आएंगे ही ना, तो कौन आएंगे, जो भी आएंगे उनको एक्टिंग चीफ जस्टिस कह दिया जाएगा, है ना। और आपका कौन ये अपॉइंट करेंगे तो गवर्नर नहीं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, याद रखना है, यहाँ पर कन्फ्यूजन होने के चांसेस बढ़ते हैं। प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जज ऑफ हाई कोर्ट चाहे वो आपका एक्टिंग चीफ जस्टिस हो चाहे वो आपका एडिशनल एंड एक्टिंग जजेज ऑफ हाई कोर्ट ही क्यों ना हो। और बेसिकली अगर हम बात करें एडिशनल एंड एक्टिंग जजेज ऑफ हाई कोर्ट, तो जिस प्रकार से आपका चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट लेट से कि कुछ ऐसी स्थिति आ जाती है जब वो एब्सेंट होगा या फिर उनकी सीट वैकेंट हो गए, तो उसी प्रकार से हो सकता है कि जजेज ऑफ हाई कोर्ट को भी वैसा ही कंडीशन फेस करना पड़ रहा हो। तो ऐसे में जो मिनिमम कोरम है सो दैट बेंच कंस्टिट्यूट की जाए वो अगर फुलफिल नहीं होती है तो कहीं ना कहीं एडिशनल जजेज या फिर एक्टिंग जजेज को अपॉइंट किया जा सकता है फॉर हाई कोर्ट। ये आपका आर्टिकल 224 है ना। कौन अपॉइंट करेंगे, प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट किन्हें अपॉइंट करेगा तो ड्यूली क्वालिफाइड पर्सन एज एडिशनल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर टेम्पोररी पीरियड, याद रखना है टेम्पोररी पीरियड के लिए, और ये टेम्पोररी पीरियड बेसिकली आपका 2 ईयर से ज्यादा नहीं होगा, यानी कि देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन ऑफ टर्म दैट इज योर 2 ईयर्स। एंड कब ये अपॉइंट किए जाएंगे, कब ये जरूरत पड़ेगी अपॉइंटमेंट की, तो जब आपका हाई कोर्ट बिजनेसेस लेट से कि टेम्पोररी रूप से केस लोड बढ़ गए हैं तब जाके जजेज की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है तो फिर अपॉइंट किए जा सकते हैं, या फिर देयर आर एरियर्स ऑफ वर्क इन हाई कोर्ट। और फिर अब आता है आपका एक्टिंग जज, तो एक्टिंग जज कब आपके अपॉइंट किए जाएंगे, तो जब कोई जज अनेबल टू परफॉर्म द ड्यूटीज बिकॉज ऑफ एब्सेंस या फिर कोई अन्य रीजन, तो अपॉइंट किए जाते हैं एक्टिंग जज के रूप में जो आपका टेम्पोररी रूप से आपका चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट के रूप में एक्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये बातें हैं एक्टिंग जज जिसको कहते हैं। हाउएवर बोथ एडिशनल एंड एक्टिंग जज कैन नॉट होल्ड ऑफिस आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 62 ईयर, बिकॉज जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन तो यही है ना कि 62 ईयर्स के बाद तो रिटायरमेंट ही है या फिर वो ऑफिस बेयर नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई 62 ईयर्स के बाद चाहे आपका एडिशनल हो या फिर एक्टिंग जज हो ये आपका नहीं होल्ड कर सकते ऑफिस। एंड वी हैव द रिटायर्ड जज, रिटायर्ड जज के बारे में क्या प्रोविजन है तो देख सकते हो, इसमें ये बोला गया है कि कभी भी
अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जरूरत पड़ी तो वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी रिटायर्ड जज को, वो तो जो क्वालिफाइड होंगे उन्हीं को रिक्वेस्ट करेंगे। और अगर वो सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में किसी रिटायर्ड जज को बुलाना चाहते हैं अपने कोर्ट में एज ए टेम्प्रोरी जज, तो फिर वो आपके सीजेआई रिक्वेस्ट करेंगे उस रिटायर्ड जज को टू एक्ट एज सुप्रीम कोर्ट जज फॉर टेम्प्रोरी पीरियड। और याद रखना है वो ऐसा करेंगे ओनली विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, एंड ऑल्सो जिस पर्सन को अपॉइंट करना चाहते हैं उसका भी कंसेंट जरूरी है। ये बात हो गई रिटायर्ड जज के लिए प्रोविजन, है ना। बट याद रखना है ये जो रिटायर्ड जज एक्टिंग जज है ये सब आपका सिर्फ आपके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेज के रूप में टेम्प्रोरी पीरियड के ही रूप में एक्ट करेंगे, है ना। इनको और कोई आपके गवर्नमेंट में ऑफिस नहीं एलोकेट करी जाती है बिकॉज देयर इज कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्ट्रिक्शन। हाँ, जजेस के रूप में ये आ सकते हैं। एंड अगर हम बात करें कि हाउ द इंडिपेंडेंसी ऑफ हाई कोर्ट इज इंश्योर्ड, तो आप देख सकते हो मोड ऑफ अपॉइंटमेंट की अगर हम बात करें तो जजेज आपका अपॉइंट होती है जुडिशियरी खुद से, यहाँ पर आपका एग्जीक्यूटिव का कोई रोल नहीं है। एनजेएसी लाया तो गया था बट इसे खारिज कर दिया गया बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इट वायलेट द इंडिपेंडेंसी ऑफ द जुडिशियरी। तो यहाँ पर जो मोड ऑफ अपॉइंटमेंट है यहाँ पर आपका जुडिशियरी खुद करती है कलीजियम सिस्टम के माध्यम से, तो ये भी है आपका इंडिपेंडेंसी ऑफ हाई कोर्ट इंश्योर हो गया। साथ ही साथ सिक्योरिटी ऑफ टेन्यूर, सिक्योरिटी ऑफ टेन्यूर कैसे, तो आप देख सकते हो जो जजेज हैं वो रिमूव होंगे ओनली ऑन द मैनर जो संविधान में प्रिस्क्राइब की गई है एंड ओनली ऑन द वे जो आपका प्रोविजन में कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल स्पेशल मेजोरिटी, जजेज इंक्वायरी एक्ट, है ना। तो ये सब तरीके आपके जब तक फॉलो नहीं होंगे तब तक आपका रिमूवल प्रोसेस सक्सेस नहीं होगा। साथ ही साथ वे हैव द फिक्स्ड सर्विस कंडीशन, यानी कि इनके जो सर्विस कंडीशन जो भी है वो उनके डिसएडवांटेज के लिए चेंज नहीं कर सकते कि पता चला आज सैलरी 50,000 है तो कल सैलरी 40,000 कर दिया जाएगा सो दैट जो है जजेज वो फेवर में आ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं। फिक्स सर्विस कंडीशन, और इसमें साफ साफ कह दिया गया है कैन नॉट बी चेंज टू देयर डिसएडवांटेज आफ्टर देयर अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी, जाहिर सी बात है। एंड जो एक्सपेंसेस है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज किए जाते हैं, एज वेल एज कंडक्ट ऑफ जजेज डिस्कस नहीं किए जाएंगे पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, है ना, एक्सेप्ट कि आपका इम्पीचमेंट मोशन चल रहा होगा इन द पार्लियामेंट। एंड बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, ये भी बात मैंने आपको कहा था कि रिटायरमेंट हो जाने के बाद प्रैक्टिस पर बैन है, एक्सेप्ट कि सुप्रीम कोर्ट एंड अदर हाई कोर्ट आपका जो प्रोसीजर अभी हमने देखा उस प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है। तो एंड फ्रीडम टू अपॉइंट इट्स स्टाफ एज वेल, ये भी बात है। जुरिडिक्शन कैन नॉट बी कर्टेल, ये भी बात है, लेकिन एक्सटेंड किए जा सकते हैं पार्लियामेंट के द्वारा। एंड वी हैव द सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, है ना, ये तो आपका आर्टिकल 50 खुद कहता है सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। अब बात करते हैं जुरिडिक्शन एंड पावर ऑफ हाईकोर्ट, जो आपका आर्टिकल 225 में डील करता है। क्या है आपका जुरिडिक्शन एंड पावर ऑफ हाईकोर्ट, तो लेट्स डिस्कस विच इज गिवन इन आर्टिकल 225। तो सबसे पहली बात तो हमने डिस्कस भी की थी कि जो आपके हाईकोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है उनके पास ओरिजिनल जुरिडिक्शन होता है, रिट जुरिडिक्शन होता है, एपीलेट जुरिडिक्शन होता है, सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन भी हो सकते हैं ना। एंड बेसिकली तो अगर हम डिटेल से बात करें ओरिजिनल जुरिडिक्शन, नाम से पता चला यानी कि वो जुरिडिक्शन जो ओरिजिनली संविधान ने हाईकोर्ट को प्रदान की गई है ना। और ओरिजिनल जुरिडिक्शन की बात करें तो जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट के पास जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन का वाइड है, वाइडनेस है, विथ है, वो हाई कोर्ट के पास उतना नहीं है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आपके स्टेट रिलेटेड लॉज को भी डील कर सकती है और सेंटर रिलेटेड लॉज को भी डील कर सकती है, स्टेट सेंटर के मैटर्स को भी डील कर सकती है, जबकि आपका हाई कोर्ट सेंटर स्टेट का मैटर डील नहीं कर सकती। ये बात है, स्टेट स्टेट का मैटर नहीं डील कर सकती, मोर देन टू स्टेट मोर देन वन स्टेट का अगर कोई डिस्प्यूट आए ये तो सुप्रीम कोर्ट ही सुलझाएगा बिकॉज हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन तो सिंगल स्टेट में होता है, तो दो स्टेट के बीच डिस्प्यूट आ गई तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी। दैट्स व्हाई ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट नैरोवर होता है सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन यही बात करें रिट जुरिडिक्शन की तो रिट जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट वो ज्यादा हो जाता है सुप्रीम कोर्ट से, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हो मैटर ऑफ एडमिरलिटी एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ये डील कर सकते हैं, ये आपका ओरिजिनल जुरिडिक्शन में आता है, याद रखना है मैटर ऑफ एडमिरलिटी एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी कि ये हाई कोर्ट के पास पावर है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मैटर्स को वो आपका हाई कोर्ट डील कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट के पास भी है ये पावर। एंड इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर का अगर कोई इश्यू आया तो ये भी आपका याद रखना है ओरिजिनल जुरिडिक्शन में आ जाएगा, है ना, बिकॉज कि जो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर होते हैं वो किसी ना किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो अगर लेट्स से कि इलेक्शन को लेकर कोई डिस्प्यूट आई, है ना, तो आपका
वो हाई कोर्ट डील कर सकता है, बिकॉज उन्हीं स्टेट के जुरिडिक्शन में तो आएंगी ना। और ये आपका सुप्रीम कोर्ट खुद बोला था कि अगर कोई डिस्प्यूट आती है इलेक्शन रिलेटेड टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन स्टेट लेजिस्लेचर, तो कंसर्न स्टेट में जो आपके मेंबर लाइक करेंगे उसके जुरिडिक्शन में जाएगा। एंड रेवेन्यू मैटर के मामले में भी ओरिजिनल जुरिडिक्शन है, इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन इनके मामले में भी ओरिजिनल जुरिडिक्शन है, सुप्रीम कोर्ट के पास भी है। केसेस ऑर्डर टू बी ट्रांसफर फ्रॉम सबऑर्डिनेट कोर्ट इन्वॉल्विंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अगर कोई ऐसा केसेस है जो इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड कर रहा है तो उस केस को ट्रांसफर किया जा सकता है टू द हाई कोर्ट, ये आपका ओरिजिनल जुरिडिक्शन में ही आता है, तो ये याद रखना है। और अगर हम बात करें रिट जुरिडिक्शन की, तो रिट जुरिडिक्शन वाइडर है हाई कोर्ट के पास देन द सुप्रीम कोर्ट, बिकॉज रिट इश्यू की जा सकती है हाई कोर्ट के द्वारा बोथ फॉर फंडामेंटल राइट एंड अदर लीगल राइट्स, जबकि सुप्रीम कोर्ट रिट इश्यू करेगा ओनली इफ देयर इज वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। एंड सारे पांचों के पांचों रिट्स इश्यू कर सकती है हाई कोर्ट, इंक्लूडिंग द ऑर्डिनरी लीगल राइट के लिए भी रिट इश्यू करी जा सकती है, एंड अनलाइक सुप्रीम कोर्ट जो आपका ऑर्डिनरी लीगल राइट के लिए इश्यू नहीं कर सकती। एंड इफ काउजेज ऑफ एक्शन विद इन इट्स टेरिटरी इट कैन इश्यू रिट प्लस हाई कोर्ट, ये तो आपका वही हो गया कि रिट पावर ऑफ हाई कोर्ट ही ज्यादा है सुप्रीम कोर्ट से। एंड देख सकते हैं यहाँ पर एससी यानी सुप्रीम कोर्ट कैन इश्यू रिट ओनली फॉर फंडामेंटल राइट एंड नॉट फॉर एनी अदर पर्पस, दिस मेक्स रिट जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट वाइडर देन द सुप्रीम कोर्ट। एंड अपीलेट जुरिडिक्शन की बात करें तो याद रखना है अपीलेट जुरिडिक्शन यानी कि अपील है ना, अपील आपने सुना होगा क्लियर से, सबऑर्डिनेट कोर्ट ने फैसला दिया चाहे वो सिविल मैटर हो क्रिमिनल मैटर हो, तो उसके लिए अपील किया जा सकता है हाई कोर्ट में, और ये जुरिडिक्शन हाई कोर्ट के पास है कि वो अपील सुन सकते हैं बोथ फॉर सिविल एंड क्रिमिनल मैटर। एंड सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन की बात करें तो देख सकते हो सुपर इंटेंडेंस ओवर ऑल अदर कोर्ट्स ट्रिब्यूनल्स इन द स्टेट एक्सेप्ट मिलिट्री कोर्ट और ट्रिब्यूनल, है ना, तो सुपर इंटेंडेंस ओवर ऑल अदर कोर्ट ट्रिब्यूनल इन द स्टेट एक्सेप्ट मिलिट्री कोर्ट और ट्रिब्यूनल। एंड जाहिर सी बात है मिलिट्री कोर्ट के ऊपर जो आपका सुपर इंटेंडेंस है ये आपका हाई कोर्ट का नहीं होता है, लेकिन अदर कोर्ट जैसे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हो गए, है ना, तो जुरिडिक्शन चलता है हाई कोर्ट का। And cover both administrative and judicial superintendence and provisional jurisdiction as well, suo motu power तो है ही है supervise करने का, यानी कि वो आपके supervise कर सकते हैं by its own and only uses in extraordinary case limited to excess of jurisdiction, gross violation of natural justice, error of law, disregard to law of superior court, perverse findings and manifest of injustice, है ना, तो ये सब केसेस में सुओ मोटो पावर्स इशू किए जा सकते हैं, तो देख सकते हो आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी केसेस में ही आपका इशू किए जाते हैं। एंड कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट, तो कैसे है आपका सबऑर्डिनेट कोर्ट के ऊपर कंट्रोल हाई कोर्ट का, तो पहली बात तो ये कि जब भी आपका मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट पोस्टिंग प्रमोशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस की बात आएगी तो गवर्नर के द्वारा कंसल्ट किया जाता है, है ना, यानी कि गवर्नर के साथ कंसल्ट की जाती है इन अपॉइंटमेंट ऑफ द पर्सन टू द जुडिशियल सर्विस ऑफ द स्टेट, है ना, तो देख सकते हो हाई कोर्ट, यानी कि सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आपके जो जुडिशियल सर्विसेज में काम करने वाले जो पर्सन्स है उनको अपॉइंट करने की बात है, प्रमोशन करने की बात है, पोस्टिंग करने की बात है ना, तो जो आपके हाई कोर्ट है उनके उनको कंसल्ट किया जाता है गवर्नर के द्वारा। एंड पोस्टिंग प्रमोशन ऑफ जुडिशियल सर्विस ऑफ स्टेट तो भी आपका कंसल्ट किया जाता है अदर देन द डिस्ट्रिक्ट जज। एंड विदड्रॉ द केसेस पेंडिंग इन द सबऑर्डिनेट कोर्ट इफ इट इन्वॉल्व्स सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, अभी ही हमने बात किया कि वो आपका सबऑर्डिनेट कोर्ट से उन केसेस को उठा सकते हैं इफ देयर इज द केस विच इन्वॉल्व सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड रिक्वायर्स कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इनके जो लॉ है यानी कि जो भी ये फैसले सुनाते हैं वो बाइंडिंग होते हैं ऑल सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के ऊपर इन इट जुरिडिक्शन। एंड अदर पावर्स की बात करें तो वी हैव द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, क्या मतलब होता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, इसका नाम से ही पता चल रहा है कि जो भी फैसले सुनाए जाते हैं हाई कोर्ट के द्वारा उसका वैल्यू होता है, भविष्य में उसे इस्तेमाल किया जा सकता है ना रेफरेंसेस के रूप में, है ना, फॉर एग्जांपल हिस्टोरिकल जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कितना दिया गया है, केसेस हमने डिस्कस किए हैं ना, केशव नंद भारती केस, तो ये सब जो डिसीजन आए आज भी यूज होते हैं, यही सब तो है आपका कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, है ना, उसी प्रकार से हाई कोर्ट जो फैसले देता है वो भी आपका कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में काम कर सकता है, फॉर एग्जांपल जजमेंट प्रोसीडिंग्स एंड एक्ट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट वो रिकॉर्ड होते हैं फॉर परपेटुअल मेमोरी एंड टेस्टिमनी,
और ये इविडेंशियरी वैल्यू के रूप में भी यूज होता है। और याद रखना है कि अगर फैसले भले ही 1973 में दिए गए होंगे, बट वो जो रूलिंग है आज भी लागू होंगे, उस रूलिंग पर क्वेश्चन नहीं किया जा सकता किसी भी कोर्ट के ऊपर। प्लस लीगल प्रेसिडेंट एंड रेफरेंसेस के रूप में एक्ट करते हैं। एंड वी हैव द पावर टू पनिश द पर्सन फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, एंड एज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो रिव्यू कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, इट्स ऑन जजमेंट, है ना, कि हो सकता है कोई जजमेंट हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया होगा आपका 1993 बिलेट से। आप देख सकते हो सोसाइटी चेंज हो रही है, तो आपका जो आपका रूल्स रेगुलेशन है उसमें भी चेंजेस की मांग करी जाती है, तो हो सकता है उस समय का जजमेंट है वो अभी कुछ चेंज की मांग कर रहा होगा, तो उसके लिए ये आपका कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के तहत पावर भी दिया जाता है कि हाई कोर्ट जो है रिव्यू कर सकता है एज वेल एज करेक्ट कर सकते हैं अपने खुद के जजमेंट को भी। एंड ये जो जुडिशियल रिव्यू को था, जुडिशियल रिव्यू का तो पावर है ही है। और वैसे याद रखना है, वैसे मैंने सुप्रीम कोर्ट को डिस्कस कर रहा था तो बताया भी था कि जुडिशियल रिव्यू जो टर्म है वो कहीं पर भी मेंशन नहीं की गई है, इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को पावर मिलता है फॉर द जुडिशियल रिव्यू। कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है जो जुडिशियल रिव्यू को बताते हैं, तो आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, आर्टिकल 131 से आर्टिकल 136, ये सब आपके सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू को इनडायरेक्टली इम्पावर करता है। आर्टिकल 143 और फिर आप देख सकते हो आर्टिकल 226, ये 246, ये 256, ये जो आपके हैं हाई कोर्ट को इनडायरेक्टली जुडिशियल रिव्यू का पावर देता है। तो बोथ सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट हैज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ एनी केसेस। और कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव इनेक्टमेंट्स कैन बी चैलेंज, यही तो मतलब होता है जुडिशियल रिव्यू का, है ना, कि जो भी लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव इनेक्टमेंट, फॉर एग्जांपल बायलॉज या रूल्स या रेगुलेशन लाए जा रहे हैं, अगर वो आपके संवैधानिक प्रोविजन, बेसिक स्ट्रक्चर, फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, तो उसे चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में। एंड ऑल्सो टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लेजिस्लेशन एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ बोथ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये चैलेंज कौन से ग्राउंड पे किया जा सकता है कि अगर हो सकता है वो फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज या वायलेट कर रहा हो, या फिर आउटसाइड द कॉम्पिटेंस ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी है नहीं, जुरिडिक्शन के बाहर आपने फैसला सुना दिया, रिप्रेजेंट टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, तो ये सब बातें। तो जैसा कि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कौन कौन से हाई कोर्ट फिलहाल हैं जहाँ कॉमन जुरिडिक्शन आ जाती है विथ टू और मोर स्टेट या फिर यूटी, तो देख सकते हो बॉम्बे हाईकोर्ट का जुरिडिक्शन कौन कौन से स्टेट एंड यूटीज के ऊपर लागू होता है, तो महाराष्ट्र एंड गोवा पर तो लागू होता ही होता है, प्लस दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। और आपको भी पता होगा दादरा एंड नगर हवेली दमन एंड दीव को एक साथ मर्ज कर दिया गया है ना। एंड गुवाहाटी हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन की बात करें तो असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, तो ये याद रखना है असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गुवाहाटी हाई कोर्ट, तो आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन के रूप में आ सकते हैं। तो बॉम्बे हाईकोर्ट विद महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, गुवाहाटी हाईकोर्ट, असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में आपका पंजाब, हरियाणा एंड चंडीगढ़ के जुरिडिक्शन आ जाते हैं। तो ये हमने डिटेल से डिस्कस किया, एज वेल एज कलकत्ता हाई कोर्ट की बात करें तो वेस्ट बंगाल, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का जुरिडिक्शन आ जाता है। तमिलनाडु हाई कोर्ट की बात करें तो तमिलनाडु प्लस पुडुचेरी आ जाते हैं, पुडुचेरी आपका यूटी है, आपको पता है यहाँ पर भी हाई कोर्ट डेडिकेटेड नहीं है बट लेजिस्लेटिव असेंबली तो है। केरला हाई कोर्ट की बात करें तो केरला और लक्षद्वीप का जुरिडिक्शन आपका आ जाता है। तो ये हमने हाई कोर्ट टॉपिक को डिटेल से डिस्कस कर लिया है, होप आप लोगों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग कवर हो गई होगी। नेक्स्ट सीरीज में हम लोग बेसिकली सबऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन भी क्रिएट करता है, तो वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट द सबऑर्डिनेट कोर्ट। फॉर नाउ थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, इफ यू लाइक द लेक्चर प्लीज सब्सक्राइब इट, थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।